रखा गया था जिसमें बढ़ चढ़ के आपने मतलब पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज कराया था और वो इख्तिताम को पहुँचा है, क्या जानकारी देंगे उस बारे में? देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम में विशालगढ़ गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी पर जो हमला हुआ था, इसमें जो रेडिकल ग्रुप थे जिन्होंने ये तमाम जो है कारनामा अंजाम दिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को इंसाफ, उनको मुआवजा, इस्लामोफोबिया पे कानून, ऐसी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट हमने किया था। तमाम सियासी जमातें, तमाम एनजीओज, तमाम इंफरादी लोग जो है सभी ने मिलकर के तत्तुवाड़ी से लेकर शिवली नगर तक इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, इसमें सभी लोग शामिल है, शहर के तमाम जिम्मेदार लोग शामिल है, सभी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए, एनजीओ से जुड़े हुए, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए, बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोगों की इसमें शिरकत थी और तमाम की जो है मिली जुली कोशिशों का नतीजा था ये एक सक्सेसफुल एहतजाज। इस एहतजाज को लेके सरकार पर आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम मंडे को थाने जिलाधिकारी कार्यालय और थाने पुलिस आयुक्त साहब इनको मेमोरेंडम देने वाले हैं जिनमें हमारी चार मांगे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो कुछ भी किया गया विशालगढ़ में, गजापुर, दोनों जगह पर, तो ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है, तो जो भी ऑफेंसेस इसमें रजिस्टर्ड किए गए तो उसमें प्लानिंग की नई बीएनएस जो आई है उसकी धारा लगाई जाए, और उसके अलावा और कुछ सेक्शंस हैं, 111 है, 119 है, 57 है, ये सब लगाई जाए। प्लस इसमें शिव प्रतिष्ठान के संभाजी और मनोहर भिड़े का नाम सामने आ रहा है, तो प्लानिंग के तहत धारा लगा करके जांच करके अगर उनका कोई रोल निकलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, इस्लामोफोबिया के तहत जो मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है, जो गलत गलत चीज़ें फैलाई जाती है, उसको सरकार जो है वो संजीदगी से ले और इस्लामोफोबिया पर एक प्रतिबंधित कानून बनाए। आखिर में मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जो लोग, जो भी सियासी जमात इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और खास करके मुमरा की आवाम, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एकता में आपकी जीत है, एकता में आपकी ताकत है। सभी समाज के, सभी सेकुलर विचारधारा के लोग एक रहेंगे तो हम इस एक मुल्क को एक रख पाएंगे।